वीकेंड में जब हम अपनी फैमिली के साथ कहीं कैंपिंग करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कैंपर वैन या आरवी जैसी चीज़ें आने लगती हैं कि काश हमारे पास एक बड़ी सी कैंपर वैन होती या फिर आरवी होती तो उसमें कितना अच्छा होता। लेकिन कभी कभार कैंपिंग के लिए अगर आरवी या फिर कैंपर वैन खरीदना काफ़ी ज़्यादा जेब के लिए भारी पड़ सकता है और ऊपर से इसका मेंटेनेंस का खर्चा अलग। इसीलिए एक नॉर्मल आदमी के लिए कैंपर वैन या आरवी लेना एक सपने जैसा ही लगता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको एक ऐसी गाड़ी के बारे में बताऊंगा जो फैमिली कार तो रहेगी रहेगी लेकिन साथ में जरूरत पड़ने पर आप इसे कैंपर वैन की तरह यूज करके इसमें आप स्टे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ कैंपर वैन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं चौथी गाड़ी से। जो चौथी गाड़ी है वो है मारुति की इको। वैसे तो इको को हम ज़्यादातर कॉमर्शियली या फिर एम्बुलेंस के रूप में ही देखते हैं क्योंकि इस गाड़ी में एक ज़बरदस्त स्पेस मिल जाता है आपको। यही स्पेस इस गाड़ी को एक बेहतर कैंपर वैन बनाने में हेल्प करता है। इस गाड़ी की अगर डायमेंशन की हम बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ जो है वो 3675 mm मिल जाती है, विड्थ जो है 1475 mm मिलती है और वहीं अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट इसमें 1800 mm की मिल जाती है। इस गाड़ी को डायमीटर को अगर देखा जाए तो ये आपको काफ़ी ठीक ठाक लेंथ, वेथ और हाइट प्रोवाइड करती है। हाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करती है जिससे आपको उठने बैठने में आपका सर किसी भी तरीके से छत से नहीं टकराता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और रूमी आपको स्पेस मिलता है जिससे आप इसकी बैक सीट को फोल्ड करके काफ़ी अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं और दो लोगों के लिए काफ़ी बेहतर और कम्फर्टेबल बेड का इंतज़ाम हो जाता है। दो लोग इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टे कर सकते हैं और गाड़ी में स्टे करना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है एक टेंट के मुकाबले क्योंकि टेंट में इतनी अच्छी सेफ्टी नहीं मिल पाती है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर सेफ्टी आपको प्रोवाइड करेगी और सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जिससे आप इसको हर टाइप के रोड पर चला सकते हैं और हर जगह हर टाइप के जगह पर आप इसको ले जा भी सकते हैं, जैसे हिल्स वगैरह पर भी आप इस गाड़ी को आसानी से ले जा सकते हैं। और इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करूँ तो एक्स शोरूम 4.30 lakh से स्टार्ट होती है, एक्स शोरूम 5.60 lakh तक ये जाती है। चलिए अब थर्ड गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जो कैंपिंग वैन में बेहतर परफॉर्म करती है, वो है ट्राइबर। जब ट्राइबर लॉन्च हुई थी तो उसका मेन USP स्पेस मैनेजमेंट ही था। इस गाड़ी के डायमेंशन की अगर बात करूँ तो लेंथ में ये गाड़ी 3.990 mm मिलती है, विथ इस गाड़ी की 1739 मिलती है और हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1683 mm मिल जाती है। अगर इको से कंपेयर किया जाए तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर आपको जगह मिलती है। इस गाड़ी के डायमीटर पे आप मत जाइएगा। इस गाड़ी का जो ग्राउंड एरिया है इंटीरियर का जो एरिया काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेसियस मिलने वाला है। इसकी दोनों सीट मिडिल और थर्ड रो को निकालने के बाद ये गाड़ी का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे आप दो लोग काफ़ी अच्छे से इस गाड़ी में स्टे कर सकते हैं। बेहतर तरीके से गद्दा वद्दा लगा करके आराम से इस गाड़ी में कंफर्टेबली तरीके से स्टे कर सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है रेनो की तरफ से और छोटे मोटे कैंपिंग के लिए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है 180 mm की, जिसकी वजह से इस गाड़ी को हर जगह पर ले जा करके आप आसानी से कैंपिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करो तो एक्स शोरूम 5.50 lakh से स्टार्ट होती है, एक्स शोरूम 7.95 lakh तक जाती है। अगली सेकंड नंबर की गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर पे जो गाड़ी आई है जो बेहतर परफॉर्म करती है वो गाड़ी है अर्टिका। अर्टिका एक बेस्ट फैमिली 7-सीटर गाड़ी है जो ज़बरदस्त स्पेस ऑफर करती है। फैमिली इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसीलिए यह गाड़ी कैंपिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। इस गाड़ी के सेकंड और थर्ड रो को अगर होल्ड कर दिया जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आलिशान वेट की तरह कन्वर्ट हो जाती है और दो लोग या छोटी फैमिली आराम से इस गाड़ी में कंफर्टेबल बेड की तरह आराम से स्टे कर सकते हैं। इस गाड़ी के डायमीटर की बात करें तो लेंथ में अगर ये गाड़ी की बात करें तो 4595 mm मिल जाता है, विड्थ की बात करें तो 1735 mm मिल जाता है, हाइट की बात करें तो 169 mm मिल जाता है। देखा जाए तो लेंथ, हाइट या फिर विड्थ कहीं से भी ये गाड़ी सबसे ज़्यादा मिलती है जिसकी वजह से एक कंफर्टेबल बेड बन जाता है। गाड़ी काफ़ी रूमी फील होती है, ऊंची होने की वजह से आपका सर ऊपर नहीं टकराता है, आप कंफर्टेबली इस गाड़ी में स्टे करेंगे और आपको अच्छा भी फील होगा और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रूमी भी फील होती है, इसीलिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल कैंपर वैन के रूप में बन सकती है। अगर इस गाड़ी की हम प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी एक्स शोरूम 7.96 lakh से स्टार्ट होती है, एक्स शोरूम 10.69 lakh तक जाती है।
चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर वन पे आने वाली गाड़ी जो वाकई में बेहतरीन कंफर्टेबल कैंपर वैन में बदल सकती है। ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी भी है इन सभी तीनों गाड़ियों से। वो गाड़ी है महिंद्रा की मराजो। मराजो महिंद्रा का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अभी तक, जो सबसे ज़्यादा बेहतर स्पेस भी प्रोवाइड करता है। ये गाड़ी आपको इनोवा के बाद सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी के अगर डायमीटर की बात करें तो लेंथ में यह गाड़ी 4585 mm मिल जाती है, विथ में 1866 mm मिल जाती है, और हाइट की बात करें तो 1774 mm मिल जाती है। हर तरीके से ये गाड़ी इन तीनों गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा ऊंची, लंबी और चौड़ी है। तो इस गाड़ी में हो सकता है आर्टिका से ज़्यादा बेहतर स्पेस मिले, और इस गाड़ी में काफ़ी बेहतर स्पेस मिलता भी है, क्योंकि ये गाड़ी लेंथ, हाइट, विथ हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। इस गाड़ी के अगर दोनों ही रो को पोर्ट कर दिया जाए, चाहे थर्ड रो है या फिर सेकंड रो है, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रूम की तरह फील होती है और आसानी से आपके लिए एक कंफर्टेबल बेड में बदल जाती है। छोटी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। बेहतर हेल्प मिलता है कैंपर में यूज करने के लिए, क्योंकि कैंपर टूल की अगर यूज कर लिया जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कैंपर वैन में बदल जाती है और बेहतरीन आलिशान एक बड़े से बेड की तरह ये दिखती है। काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है और ये कैंपर वैन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है। और अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो ये गाड़ी एक्स शोरूम 12.30 lakh से स्टार्ट होती है, एक्स शोरूम 14.45 mm। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से कैंपिंग करते हैं, कैंपर वैन यूज करना चाहते हैं, तो उतना ज़्यादा पैसा ना यूज करिए। आप इस फैमिली कार में भी काफ़ी बेहतर तरीके से कैंपिंग कर सकते हैं और ये गाड़ियाँ आपके बजट में आ भी जाएंगी। अगर ये गाड़ी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कैंपिंग के शौकीन है तो इन्हीं गाड़ियाँ आप लीजिएगा, आपके बजट में भी आ जाएगी और बेहतर हर एडवेंचर का आप मज़ा भी ले लेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।